एक सप्ताह तक चलने वाले स्तनपान पखवाड़े के समापन पर महिलाओं के लिए कई प्रतियोगिता आयोजित की गई। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे पौष्टिक आहार के साथ समाप्त हुआ स्तनपान पखवाड़ा। एक सप्ताह तक चलने वाले स्तनपान पखवाड़े के समापन पर महिलाओं के लिए कई प्रतियोगिता आयोजित की गई। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे पौष्टिक आहार के साथ समाप्त हुआ स्तनपान पखवाड़ा। पूरे देश दुनिया के साथ रीवा में भी विश्व स्तनपान पखवाड़ा मनाया गया। माँ के दूध से बेहतर कोई भी पौष्टिक आहार नहीं के साथ समाप्त हुआ स्तनपान पखवाड़ा। रीवा में विश्व स्तनपान पखवाड़ा मनाया गया। माँ का दूध और दुलार शिशु का संपूर्ण आहार, नवजात बच्चे के लिए माँ के दूध से बेहतर दुनिया में और कुछ नहीं। विश्व स्तनपान पखवाड़े के दौरान आयोजित कार्यक्रम में नर्सिंग छात्राओं ने आयोजित रैली गोली प्रतियोगिता में भाग लिया, जीते इनाम। इस दौरान आयोजित कार्यशाला में वरिष्ठ डॉक्टरों ने विषयवार विस्तार से मौके पर मौजूद लोगों को दी जानकारी। पूरे विश्व में स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर रीवा ऑप्स गायनी सोसाइटी द्वारा, संजय गांधी अस्पताल नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट्स द्वारा रंगोली एवं पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें अन्य डिपार्टमेंट के अलावा सभी नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहा। हम आपको बता दें, विश्व स्तनपान सप्ताह प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। गायनी सोसाइटी द्वारा तमाम देश दुनिया में यह दिवस काफी अरसे से मनाया जा रहा है। रीवा में भी आज संजय गांधी अस्पताल नर्सिंग स्टूडेंट द्वारा रंगोली एवं पोस्टर बैनर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें फर्स्ट ईयर एवं सेकंड ईयर की नर्सिंग छात्राओं ने भाग लिया। 32 स्टूडेंट नर्सेस विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से एक फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें बताया गया महिलाओं को स्तनपान एवं कार्य के दृढ़ता पूर्वक एक साथ करने का समर्थन देता है पूरा विश्व, पूरा समाज। साथ ही इसका यह उद्देश्य है कि कामकाजी महिलाओं को उनके स्तनपान संबंधी अधिकार के प्रति जागरूकता प्रदान करना, साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। WHO की नवजात शिशु के लिए पीला गाढ़ा चिपचिपा युक्त माँ के स्तन का दूध कोलोस्ट्राम संपूर्ण आहार होता है। दुनिया में इससे बेहतर आहार नवजात बच्चे के लिए कुछ नहीं, वरिष्ठ डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए बताया। एक घंटे के भीतर ही शुरू कर देना चाहिए स्तनपान। सामान्यतः बच्चे को 6 महीने की अवस्था तक स्तनपान कराने की अनुशंसा की जाती है। शिशु को 6 महीने की अवस्था और 2 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक स्तनपान कराने के साथ पौष्टिक पूरक आहार भी देना चाहिए। स्तन में दूध पैदा होना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। बच्चे से माँ और शिशु दोनों को फायदा होता है। शिशु को होने वाला अच्छा और संपूर्ण आहार होता है माँ का दूध में पाए जाने वाला कोलेस्ट्रॉम। शिशु को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, शिशु को रोग से बचाता है, शिशु की वृद्धि अच्छे से होती है। इस कड़ी पर सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिया गया, प्रमाण पत्र वितरित किया गया। हमने कुछ डॉक्टरों से बात की। एकदम से आज ये क्योंकि विश्व स्तनपान दिवस चल सप्ताह चल रहा है, तो उसके माध्यम से स्तनपान के फायदे बताए गए, कैसे कराना चाहिए, उसकी सही टेक्निक क्या है, स्तनपान के बाद माँ को बच्चे को उल्टा या फिर करवट से लिटाना चाहिए और किस तरह से अच्छे से करा सकते हैं स्तनपान, और स्तनपान से माँ को क्या फ़ायदे होते हैं और शिशु को क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब बताया गया है। और नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी अवेयर किया गया है कि कैसे वो स्तनपान को और बढ़ा सकते हैं। आयोजित कमेटी के थ्रू हम ये विश्व स्तनपान दिवस मना रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, आमतौर पर लोग बॉटल से बच्चे को दूध पिलाते हैं, क्या है उसका दूध? बॉटल से बच्चों को जो दूध पिलाया जाता है वो ऊपर का दूध पिलाया जाता है, तो वो बच्चों के लिए हानिकारक होता है। बच्चों में डायरिया हो सकता है, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, और जो स्तनपान जब माँ कराती है तो उससे बच्चे को बहुत फ़ायदे होते हैं। कितनी महीने तक कराना चाहिए? कम से कम 6 माह तक लगातार माँ को स्तनपान कराना ही चाहिए। 6 माह के बाद
अतिरिक्त आहार के साथ माँ को स्तनपान 2 साल तक कराना चाहिए। विश्व भर में ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें स्तनपान से होने वाले फायदे बताए जाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि माँ का दूध ही सर्वश्रेष्ठ होता है शुरू में बच्चे के 6 महीने तक की पूरी ग्रोथ के लिए और पूरे विकास के लिए। इस अवसर पर आज यहाँ पर संजय गांधी मेडिकल अस्पताल के गायनी विभाग में नर्सिंग स्टूडेंट्स के द्वारा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के द्वारा हम गायनी वाले डॉक्टर्स ने मिलकर एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किए और सबने बहुत उत्साहपूर्वक हर्षित होकर सबने भाग लिया है।